हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों की रणबेरी बज चुकी है। चुनावी बिसात की इस नर्सरी का बिगुल बजते ही दोनों प्रमुख पार्टियों के समर्थित उम्मीदवारों ने अपनी अपनी ताल ठोक दी है। ऊना में जिला परिषद की 17 सीटों के लिए ताल ठोक चुनावी अखाड़े में कूदे इन उम्मीदवारों ने घर घर जाकर वोट अपील आरम्भ कर दी है। दोनों पक्षों के उम्मीदवारों को अपने अपने समर्थकों के साथ जनमानस को अपने अपने पक्ष में करने की जुगत लगाते स्पष्ट देखा जा सकता है। गलबहिया और चरण स्पर्श इस मुहिम का टूट अंग गली गली में नजर आ रहा है। जिन गलियों में से ये उम्मीदवार अभी तक अनजान रहे होंगे उन गलियों में सुबह का सूरज देखना अब उनकी दिनचर्या बनता जा रहा है। खैर दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इन चुनावों के लिए 17, 19 और 21 जनवरी को 3 चरणों में मत डलेंगे जिनका परिणाम भी उसी दिन घोषित किया जाएगा। जहां बीजेपी समर्थक उम्मीदवार राज्य और केंद्र की विकास योजनाओं को आधार बनाकर लोगों के बीच जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस समर्थक उम्मीदवार अपने नेताओं के नाम काम के आधार पर जनमानस से वोट की अपेक्षा कर रहे हैं। दोनों प्रमुख राजनीतिक दल हालांकि विजय परचम लहराने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन अब ये जनता ही तय करेगी कि इन जिला परिषद चुनावों में भाजपा ब्रिगेड का ध्वज लहराएगा या फिर कांग्रेस पलटवार करेगी। मुझे पार्टी ने मौका दिया है इस बार दिल्ली जिला परिषद भाजपा चुनाव लड़ने का। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया है और मैं जनता का समर्थन आशीर्वाद मांगने के लिए जनता के बीच में जा रहा हूं और जनता का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। मेरा मेन मुद्दे रहेंगे युवाओं के लिए रोजगार के साधन सृजित करवाना, गांव गरीब की सेवा के लिए काम करूंगा और जो भी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुँचाना और समाज में अंतिम जो पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है उसके लिए काम करना ही मेरा मेन लक्ष्य रहेगा और मेरा जिला परिषद वार्ड विकास से छूता नहीं इसके लिए दिन रात प्रयास करूँगा। प्रदेश में लगभग पिछले 3 वर्ष से हमारी सरकार चल रही है। प्रदेश सरकार की नीतियों के ही बल पर 2019 में हमें बहुत बड़ा समर्थन जन समर्थन मिला था और लगातार प्रदेश में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार के आशीर्वाद से अपने लली जिला परिषद बाढ़ के हर गांव में हर मोहल्ले में विकास की पहुँचेगा इसके लिए दिन रात प्रयास करूँगा। मेनली तो ये रहेगा कि जो भी प्रदेश सरकार की केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी नीतियाँ चली हुई हैं उनको जन जन तक पहुँचाना और मेरा जो मेन एजेंडा युवाओं के लिए रहेगा क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या जो बेरोजगारी है, रोजगार के लिए दिन रात प्रयास करना। जैसे कि हमारे क्षेत्र में ब्लैक ड्रग पार्क प्रस्तावित है, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वो हिमाचल को हरोली विधानसभा क्षेत्र को मिलेगा। उसमें अपने क्षेत्रों के लोगों को अपने जिला परिषद बाढ़ के लोगों को युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले उसका लाभ मेरे जिला परिषद बाढ़ के हर एक व्यक्ति को हो इसके लिए दिन रात प्रयास करूँगा।